चालू होने के बाद आपको कैसियो का ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ आता है और यहाँ पीछे भी कैसियो का एक ब्रांडिंग आईएसई मॉडल का यहाँ पीछे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पीछे अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे फोन आउटपुट के लिए एक पोर्ट है, तो यहाँ पे फोन आउटपुट के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है, ये पावर अडाप्टर के लिए दिया हुआ है, ये बॉक्स इनपुट के लिए दिया हुआ है और ये पेडल इनपुट के लिए दिया हुआ है जहाँ पे आप आपका वॉल्यूम या फिर सिस्टम पेडल अटैच कर सकते हो। थोड़ा सा राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिडी के लिए एक पोर्ट मिल जाता है जो आप कंप्यूटर को कनेक्ट करके आप रिकॉर्डिंग फीचर के लिए यूज़ कर सकते हो एज अ मिडी इनपुट। और ये यूएसबी का एक पोर्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप आपका पेन ड्राइव लगा सकते हो। इसका ओवरऑल वेट कम है यामाहा के कंपेयर से। ओके, इसका जो कीज है ये 61 कीज का एक की बैड है इसका 61 कीज का। इसका वॉल्यूम का नॉब छोटा है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंट्रो का फंक्शन मिलता है। उसके बाद जो फिलर्स होते हैं ड्रम्स में उसका फंक्शन मिलता है। उसके बाद आपको और एक फिलर का फंक्शन मिलता है। उसके बाद ये जब आप अकम्पनीमेंट के साथ बजाते हो तब आपको जब आप ये लेफ्ट वाला पार्ट प्ले करोगे तभी ड्रम स्टार्ट होगा वो वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है आपको। सिंक स्टार्ट और सिंक स्टॉप का एक फंक्शन मिल जाता है, तो आप अगर ये बजाना छोड़ दिए तो ये ड्रम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद ड्रम स्टार्ट करने के लिए ये मिल जाता है स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। और अगर आपको अकम्पनीमेंट का फंक्शन ऑन और ऑफ करना है तो आपको ये दबाना है। ये दबाने के बाद यहाँ पे अकम्पनीमेंट का साइन आ जाएगा, उसका मतलब ये है कि आपका अकम्पनीमेंट का फंक्शन ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पियानो ऑर्गन का एक बटन दिया है, तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, सपोज आप फ्लूट पे हो और आप फ्लूट का कोई पार्ट प्ले कर रहे हो और आपने पियानो का बटन दबाया तो आप डायरेक्टली पियानो पे आ जाओगे। उसके बाद टोन का बटन है, तो टोन का बटन प्रेस करके आप इसमें जो जितने भी टोन है वो आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आप अगर रिदम सेक्शन में जाना चाहते हो तो रिदम का बटन आपको प्ले करना पड़ेगा। रिदम का बटन आपको एक बार टच करके यहाँ से आपको रिदम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सॉन्ग बैंक है इनबिल्ट, कुछ 160 सॉन्ग्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो आपको अगर वो प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स अगर आपको सुनने हैं तो आपको सॉन्ग का बटन दबा के यहाँ से आपको नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स आप सुन सकते हो। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग के कुछ फंक्शंस है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और ये हारमोनी और आर्पीजिएटर का एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे फोर टोटल ये चार रजिस्ट्रेशन नेमो की बैंक्स दिया हुआ है, तो आपको हर टाइम ये इंस्ट्रूमेंट पे ये नंबर पैड पे चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक एक बटन प्रेस करके आप सारे वॉइस एक्सेस कर सकते हो। तो ये इनका एक फीचर अच्छा है कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में बैंक का कौन सा रजिस्ट्रेशन बैंक सिलेक्टेड है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 8 बैंक्स है, तो अभी ये फर्स्ट पे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे होता है, तो फर्स्ट पे आने के बाद आप मतलब एक बैंक में आप 4 टोन सेव कर सकते हो और ऐसे आपको 8 बैंक्स दिए हुए हैं, तो टोटल आप इजीली आप एक 8 × 4 मतलब 32 टोन्स आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विदाउट विदाउट डायलिंग अ नंबर पैड। उसके बाद आप आपको अगर ये कोई स्टोर करना है तो आपको बैंक देखना है कौन सा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्टेड है, तो आपको सिर्फ स्टोर प्रेस करके रखना है और 1 प्रेस करना है, स्टोर प्रेस करके रखना है, 2 प्रेस करना है। उसके बाद का जो बटन है ये स्प्लिट फंक्शनैलिटी का बटन है, तो ये अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अलग टोन मिल जाएगा और राइट साइड में आप अलग टोन यूज कर सकते हो। और ये लेयरिंग का एक फंक्शन है जिसमें आप आपके ओरिजिनल वॉइस में और एक वॉइस ऐड कर सकते हो। और ये पूरा टच सेंसिटिव कीबोर्ड है, तो इसमें आपको टच सेंसिटिविटी का फीचर मिल जाता है, तो आप जितना धीरे से बजाओगे उतना आवाज धीरे आएगा, जितना आप जोर से बजाओगे उतना आवाज जोर से आएगा। तो ये इसका बेसिक फंक्शनैलिटी था। और यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे आपको ड्रम्स का सिंबल दिख जाएगा जहाँ पे कौन सी की बजाने पर कौन सा ड्रम का साउंड बजेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
इसमें पिच बैंड का भी एक फीचर दिया है, पिच बैंड का फील अच्छा है, ठीक ठीक है। और यहाँ पे आप आपका एक म्यूजिक रेस्ट कर सकते हो।